थोड़े से इनके ये भी समझ लेते हैं कि इनके क्या बेसिक डिफरेंसेस है। तो बेसिक डिफरेंसेस इनके ये कि ईस्टर साइकिल, यानी जो इनका जो फर्टिलिटी साइकिल है, जब ये हीट में आते हैं जिसको हम कहते हैं ना, वी कॉल देम ईस्टर्स। ईस्टर साइकिल का मतलब ये है कि दिस इज द पीरियड इन विच द काउ और बफेलो इज रेडी फॉर मेटिंग, रेडी फॉर ब्रीडिंग, क्योंकि उस टाइम पे यू नो देयर आर हार्मोन्स व्हिच आर रिलीज्ड और इनका जो एग है यू नो जो ओवा जिसको बोलते हैं दैट इज गेटिंग मैच्योर्ड इन द ओवरी और वो रिलीज होने के लिए तैयार है। एंड देन द काउ और द बफेलो स्टार्ट्स शोइंग सर्टेन सिम्टम्स टू टेल द बुल और टू द फार्मर दैट ओके नाउ आई एम रेडी फॉर यू नो मेटिंग टू टेक प्लेस। सो आइदर नेचुरल सर्विस करो या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दो। तो ये जो साइकिल है ये एवरी 21 डेज आता है। आज अगर होगा तो 21 डेज के बाद में, अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर 21 डेज के बाद में आएगा। अब अगर जब हम इंसेमिनेशन करते हैं या इनको जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो इनका जो जेस्टेशन पीरियड है जिसमें जो इनका जो फीटस है वो ग्रो होगा यूट्रस में और नया काफ बर्थ होगा, तो वो जो पीरियड है वो 310 टू 320 डेज है, मोर लेस सिमिलर टू ह्यूमन, अबाउट 9 months, 10 days और 9 months, 15 days, प्लस माइनस 4-5 दिन इधर उधर हो सकते हैं। लैक्टेशन लेंथ का मतलब ये है कि आज अगर कोई गाय या भैंस अगर दूध देना शुरू करती है तो फिजियोलॉजिकली कितने दिन तक ये दूध देगी। तो फिजियोलॉजिकली हम लोग ये बताते हैं कि ये 305 दिन तक का जो दूध है वो स्टैंडर्ड लैक्टेशन माना जाता है, इसलिए कि हमको जो ये जो 305 दिन तक दूध लेना है और जो गाय या भैंस है उसके अडर को रेस्ट भी देना है, और वो जो रेस्ट का जो पीरियड है वो 60 डेज होता है। तो एक साल में 365 डेज होते हैं, तो इसलिए स्टैंडर्ड जो माना जाता है वो 305 डेज का माना जाता है। लेकिन आप जब फील्ड पे जाएंगे, फार्मर्स के पास जब बात करेंगे, तो आपको ये दिखेगा कि बहुत सारे ऐसे भी गाय भैंस है जो एक एक साल या एक साल से ज्यादा भी दूध देते हैं। तो दूध जब तक निकालते रहेंगे, जब तक दूध देते रहेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो 305 दिन है। और यूजुअली होता ऐसे है कि अगर कोई मान ले कोई फार्मर आपको बता रहा है कि मेरी जो गाय है वो अभी 15 महीने हो गए दूध दे रही है, तो उसका रीजन ये है कि वो गाय अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है। अब जब प्रेग्नेंट नहीं हुई तो फार्मर क्या करता है कि चलो दूध तो निकल रहा है, दूध निकालते रहे। लेकिन उसको, फार्मर को ये मालूम होना चाहिए कि उसका अगर बिजनेस प्रॉफिट में अगर चलना है तो उसको गाय को रिपीटेडली ये करना उसको जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द काउ बिकम्स प्रेग्नेंट एवरी 12 months, 13 months को वो प्रेग्नेंट होकर एक काफ दे। ड्राई पीरियड आइडियल 45 to 60 days, बट नाउ देर आर सम फार्मर्स दे गिव लेस ड्राई पीरियड। ड्राई पीरियड का मतलब है कि अडर को हम लोग जो रेस्ट दे रहे हैं जिसमें कोई मिल्क नहीं निकाल रहे हैं, अडर ड्राई हो गया है, उसमें कोई दूध नहीं बन रहा है, एंड 60 days, बट इट शुड नॉट एक्सीड 60 days, इसलिए कि जितना 60 days से बढ़ेगा उतना दूध का जो पीरियड है वो पीरियड कम होने वाला है। तो फार्मर को बिना दूध के इस गाय को फिर खिलाना है, तो ये उसके प्रॉफिट में से उसको खिलाना पड़ेगा। इंटरकाविंग पीरियड, अब ये दो काविंग के बीच में कितना इंटरवल होना चाहिए। लोग बताते हैं कि आइडियल 12 महीने, हम लोग बोलते हैं कि हर साल में एक काफ होना चाहिए, वो आइडियल है लेकिन वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। तो अगर 13 से 14 महीने में भी अगर उसको एक काफ मिलता है तो दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके। मिल्क लेट डाउन, ये आप लोग जो मिल्किंग मशीन वगैरह में जो डील करते हैं ना, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज मालूम रहना चाहिए कि जो दूध जो बनता है, इसके बारे में हम लोग बाद में भी थोड़ा सा सविस्तर और चर्चा करेंगे। ये जो दूध जो बनता है, ये दूध जो निकलता है बाहर, हम बैठ के जब मिल्किंग हम लोग जब करते हैं और दूध को जब धोते हैं, तो उस टाइम पे जो हार्मोन जो चाहिए उसको वो है ऑक्सीटोसिन। तो जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के बाद में जो भी दूध बन गया है अडर में, वो दूध टीट कैनाल में आएगा और टीट कैनाल से हम लोग बकेट में या उसमें मशीन से हम लोग दूध निकालेंगे। लेकिन दूध जो बनता है, वो दूध बनने में ऑक्सीटोसिन का कोई रोल नहीं है, उसके लिए एक दूसरा हार्मोन है, उसका नाम है प्रोलैक्टिन। और ये जो प्रोलैक्टिन है, ये प्रोलैक्टिन का जो सिक्रीशन है, ये पल्सेस पूरे लैक्टेशन पीरियड में आते रहते हैं। तो बहुत वक्त आपने देखा होगा कि फार्मर के पास आप जाएंगे, फार्मर बोलेगा भैया मेरा तो गाय अच्छी दूध दे रही थी, सब कुछ ठीक था, और मेरे दूध देना बंद कर दिया। तब ये दूध देना जो बंद कर दिया है, ये रिलेटेड हमेशा होता है प्रोलैक्टिन से।
लेकिन कोई फार्मर ये बोल रहा है कि मैं कितनी भी देर बैठू ये दूध छोड़ती नहीं है, मीन इट्स नॉट लेटिंग डाउन मिल्क, अडर अडर तो खुल गया है, अडर में दूध है बट नो वो रिलीज नहीं कर रही है, तो वो जो रिलीज करने का जो प्रोसेस है, जो हार्मोन है, वो है ऑक्सीटोसिन। और ये जो ऑक्सीटोसिन का जो रिलीज का जो फिनोमेनन है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो है जो काउ का जो कंफर्ट है एट द टाइम ऑफ मिल्किंग, कि उसको उस टाइम पे शोर नहीं चाहिए, यू नो उस टाइम पे काम एंड क्वाइट रहना चाहिए, तो फिर वो ऑक्सीटोसिन का भी रिलीज बराबर होगा। लेकिन आप देखते हैं बहुत सारे जो फार्मर है, वो फार्मर जब गाय या भैंस के पास जाते हैं दूध निकालने के लिए, तो उसके पैर बांधेंगे, उसके बाद में लकड़ी से उसके पीठ पे धड़ाधड़ मारेंगे, है ना, उसके मुंह पे मारेंगे। अब ये सब इतना जब करेंगे तो उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल में जो कॉर्टिसोल का जो हार्मोन है वो बढ़ता है, ऑक्सीटोसिन कम होता है। तो ये भी उसको समझाना चाहिए कि जो जो गाय या भैंस का दूध जब निकालना है तो वो उसको बड़े शांति से दूध निकालनी है। और जो प्रोलैक्टिन का जो सिक्रीशन है, वो सिक्रीशन एक हार्मोन रिलेटेड है, उसके काफी फीडबैक रहते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। तो हम आगे चलकर जब दूध के सिंथेसिस के बारे में हम लोग जब बात करेंगे, दैट टाइम यू नो आई विल बी यू नो गिविंग यू सम प्रैक्टिकल टिप्स फॉर द फार्मर्स, के उसको क्या आप समझाएंगे कि प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहे।